ट्रेडिशंस है उससे वो एक तरह से ब्रेक कर दिया इन लोगों ने और एक तरह से दे आंटिसिपेटेड मॉडर्न पोएट्री तो बहुत ही कॉन्वर्जेशनल टोन होगा सिंपल लैंग्वेज होगा बट उनका जो मेन ट्रेट है मेटाफिजिकल पोइट्स का एक कॉन्सेप्ट है कि मेटाफिजिकल कंसीट का जिसके द्वारा बेसिकली दे यूज टू मेक विटी कनेक्शन बिटवीन सीमिंगली अनरिलेटेड थिंग्स जैसे दो चीज़ें हैं जिनका आपस में कोई भी रिश्ता नाता नहीं है लेकिन उनको वो किसी तरह जोड़ के अपनी कविताओं में रखते थे जैसे एक एग्जाम्पल है जॉन डन की एक कविता है द फ्ली फ्ली मतलब पिस्सू जो काटता है द बग सो so, द फ्ली जो बग है इंसेक्ट है और मैरिज बेड या फिर लवर्स के बीच में क्या कनेक्शन हो सकता है शायद कुछ नहीं लेकिन इस कविता में एक और लॉजिकल कनेक्शन भी देते हैं जॉन डन कहते हैं कि तब माना जाता था कि शादी का मतलब है खून मिक्स होना नो द टू लवर्स यूनाइट एंड दे मिक्स देयर ब्लड सो ही सेज कि ये जो पिस्सू है जिसने मुझे काटा है और अब तुम्हें भी काटा है तो इसके अंदर हम दोनों का खून मिल चुका है और इसी के तरह दैट इज़ आर मैरिज टेम्पल एंड बेड यानी उस पिस्सू के अंदर हमारी एक तरह से मैरिज वाव हो गई है सो यू सो या दैट्स वॉट मेटाफिजिकल कंसीट मीनस तो असल में ये जो नाम दिया गया है मेटाफिजिकल पोइट्स का ये इन्होंने खुद नहीं दिया था और सब का बहुत ही अलग अलग स्टाइल था लेकिन कुछ हिंद चीज़ों की वजह से इनको ये नाम दिया गया बाद में क्रिटिक्स ने क्रिटिक्स ने और उनका मानना था कि ये जो इस टाइप के पोइट्स है ये थोड़े शो ऑफ करते हैं अपनी लर्निंग का इंटलेक्चुअल शो ऑफ करते हैं जैसे जॉन डन जॉर्ज हर्बर्ट एंड्रू मारवल क्योंकि ये लोग फ़िलासफ़ी uh, की बातें करते थे सिंपल लव पोएम्स या नेचर पोएम्स नहीं लिख रहे थे देवर टू गेटिंग इन टू वेरी कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ तो इन्हें इसीलिए जो विच इज़ मेटाफिजिक्स जैसे फिजिक्स क्या है इट इज़ अ साइंस ऑफ मैटर एंड मोशन यू नो फिज़िक्स का काम है समझना कि दुनिया का आधार क्या है फिजिकल आधार क्या है एटलीस्ट यू नो हाउ द वर्ल्ड वर्कस और मेटा जो एक ये जो प्रीफिक्स है उसका अलग अलग मतलब है बट हेयर इट्स लाइक हायर और बियॉन्ड किसी चीज़ के आगे सो मेटाफिज़िक्स इज़ लाइक फिजिक्स के आगे बियॉन्ड फिजिक्स सो बियॉन्ड दिस मटीरियल वर्ल्ड जो आप छू सकते हैं छू सकते हैं इस दुनिया महसूस कर सकते हैं इस दुनिया के आगे वॉट इज़ रियाल्टी यू नो इंक्लूडिंग द नेचर ऑफ माइंड सो इन टू क्वेश्चन ऑफ़ एग्जिस्टेंस इन टू सोल गॉड लव कि हम लोग कैसे आ गए ये सब मेटाफिज़िक्स है फ़िलोसफी है तो इन सब विषयों में आ, ये पोएट्स स्पेशलाइज करते थे एंड दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड मेटाफिज़िकल पोएट्स और उन्हीं में से एक क्या है जॉन डन है और यू नो इवन जो सिंपलिंग जो लव पोएट्री होती है इतनी सिंपल नहीं होती बिकॉज ही गोज ऑन टू ऑल दीज आइडियाज ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्री ओके सो जॉन डन 1572 सेवेंटी टू टू सिक्सटीन और एक ये कैरेक्टरिस्टिक है सभी मेटाफिजिकल पोएट्स की ये अपने जीवन में जीते जा जब जी रहे थे दे डिड नॉट गेन एनी फेम ज़्यादातर इनफैक्ट इन्हें प्रिटिकल ही किया गया ओनली टूवर्ड्स लाइक यू नो इनफैक्ट नाइनटीन ट्वेंटी सेंचुरी में जब इनको रीडर्स कवर किया मॉडर्न रीडर्स ने और देखा कि इनके आइडियाज़ बहुत मॉडर्न थे लैंग्वेज भी सिंपल और मॉडर्न थी कॉन्वर्जेसनल थी तो फिर से ये लोग फिर फेमस हुए सो हिज़ बुक जॉन जॉन्डन्स बुक कॉल्ड सॉन्ग्स एंड सॉनेट्स इट वॉज पब्लिश पॉस्ट्यूमसली यानी इनके मरने के बाद पब्लिश हुई सिक्सटीन थर्टी थ्री में तो इनकी जो पुरानी अर्लियर हिज मोस्ट ऑफ हिज अर्लियर पोएट्री वॉज अबाउट यू नो लव मैरिड ब्लिस एंड ऑल ऑफ दैट और फिर लेटर पोएट्री बिकेम अबाउट रिलीजन तो हाँ जैसे जवानी में प्रेम के बारे में लिख रहे थे और जब धीरे धीरे उम्र हो गई तो धर्म और रिलीजन के बारे में लिखने लग गए तो एज़ विद मेटाफिज़िकल पोट पोइट्स इनका एक कॉन्वर्जेसनल रिदम है ऐसा नॉर्मल जो बातचीत करते हैं उस भाषा में लिखते हैं एंड यस अनएक्सपेक्टेड क्लेवर कंपेरिजन एंड आर्ग्यूमेंट्स टू कन्वे हिज मीनिंग तो वही जो हमने बात की थी द फ्ली की जैसे और इसी चीज़ को उस समय पर हम विट कहते थे कि जो चीज़ें अनरिलेटेड नहीं हैं उनको आप किसी तरह जोड़ के एक बहुत ही क्लेवर आर्ग्यूमेंट बनाते हैं विच वॉज सॉर्ट ऑफ लाइक द ट्रेडमार्क ऑफ द मेटाफिज़िकल पोइट्स और अब कविता पे पहते हैं लाइक यू नो इट्स बेसिकली गुड मोरो द गुड मोरो एक तरह से गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं किसको बोल रहे हैं द पोट यू नो जॉन डन एंड हिज लवर तो इन दोनों की आत्मा अपनी आत्माओं को ये कह रहे हैं कि आजिफ इनकी आत्माएं जब से प्यार में प्रेम में पड़ी हैं तो फिर से ये जाग गई हैं देहा वो कन आप और इसलिए ये एक दूसरे को गुड मोरो बोल रहे हैं और कुछ इसमें आइडियाज़ बड़े इंपॉर्टेंट आ जाते हैं कि जैसे द लवर्स कम्बाइन एंड मेक अ होल वर्ल्ड तो जॉनडन के खासकर जॉनडन के पोइट्री में आइडिया बार बार आता है और बाकी कविताओं में भी कई अदर पोइट्स एंड इट्स अ लिटररी आइडिया कि जब दो प्रेमी होते हैं तो उनके लिए पूरी दुनिया वहीं पे सीमित है एक छोटा सा जो उनका घर है घर है या कमरा है पूरी दुनिया वहीं पर है और uh, या एंड दिस आइडिया अगैन इट्स फाउंड इन सॉट ऑफ रिलीजन ऑल्सो जैसे शिव शक्ति का कॉन्सेप्ट है या यिन यांग सो या लवर्स आर अ वर्ल्ड अन टू देम सेल्फ दैट्स अनदर आइडिया इस कविता में आपको मिलता है और

अलग धारणा है लव के बारे में देखते हैं जॉन डन लव के बारे में क्या कहते हैं राइट सो या आई जस्ट रीड इट वंस एंड देन वील गो थ्रू द गुड मॉरो बाय जॉन डन आई वंडर बाय माई ट्रॉथ वॉट दाउ एंड आई डिड टिल वी लवर वी नॉट वीन टिल बट सक ऑन कंट्री प्लेजर्स चाइल्डली ऑरस नॉट एड वीन द सेवन स्लीपर्स देन टू आर्सो बट दिस ऑल प्लेजर्स फैंसीज बी If ever any beauty I did see, which I desired and got, T'was but a dream of thee. And now good morrow to our waking souls, Which watch not one another out of fear. For love, all love of other sights controls, And makes one little room and everywhere. let sea discoverers to new worlds have gone, Let maps to others, worlds on worlds have shown. Let us possess one world, each hath one and is one. My face in thine eye, thine in mine appears And true plain hearts do in the faces rest Where can we find two better hemispheres Without sharp north, without declining west Whatever dies was not mixed equally If our two loves be one Or thou and I love so alike That none do slacken, none can die hmm. So again like you know Remnants of Old English is lit thou और बाय माय ट्रॉथ ऐसे ऐसे आपको ट्वास ऐसे ऐसे शब्द मिल रहे हैं बट या द वो लैंग्वेज इज सेल्फ एज यू कैन सी इज़ नॉट वेरी डिफिकल्ट इट्स अ वेरी सिंपल कॉन्वर्जेशनल टोन लेकिन आइडियाज़ कॉम्प्लेक्स है सो वील गेट इन टू दैट नाउ आई वॉन्ट बाय माई ट्रॉथ वॉट डाओ एंड आई डिड टिल वी लव्ड मैं सोचता हूँ कि मैंने और तुमने यानी कि मैं कवि जो स्पीकर है ज़रूरी नहीं हाँ प्लीज़ कीप दिस माइंड कविता में जो आई होता है ज़रूरी नहीं कि वो कवि या फिर जॉन डन ही हो हो सकता है जॉन डन एक क्या है परसोना एक कैरेक्टर बना रहा है उसके नजरिए से दिखा रहा है सो द स्पीकर यू नो यू ऑलवेज जनरली से द स्पीकर एंड इट्स बेटर टू से स्पीकर इंस्टेड ऑफ पोइट तो दाओ एंड आई एक तो जो स्पीकर जो ये कविता बता रहा है सुना रहा है जिसके नज़रिए से ये कविता कही जा रही है एंड दाओ यानी यू यू कौन है इनकी जो प्रेमिका या लवर और ठीक सो आई वंडर बाय माई ट्रॉट व दाओ एंड आई डिट इल वी उनसे बात कर रहा है बेसिकली दिस पर्सन इज टॉकिंग टू हिस्स लवर लवर इन सो आई वर माई मै ट्रॉथाउ एंड आई डिट टिल वर मैं सोचता हूं कि हमने क्या किया जब तक हमने प्यार नहीं किया बेसिकली वर वी नॉट वीन टिलेन बट सक ऑन कंट्री प्लेजर्स चाइल्डिशली वीन बेसिकली जब Uh, जब बेसिकली बच्चा थोड़ा ग, बेबी थोड़ा बड़ा हो जाता है उसे माँ का दूध बंद कर देते हैं दैट्स कॉल्ड वीनिंग ऑफ और जब वो अन्य ग्रहण करने लग जाता है सो दैट्स वीनिंग तो बेसिकली कह रहे हैं कि यानी अपने लवर से कह रहे हैं कि अब तक यानी एक दूसरे से मिलने से पहले एक दूसरे से प्यार करने से पहले शायद हम लोग बस सिंपल बच्चों की तरह थे जो अभी तक माँ का दूध पे थे बहुत ही सिंपल चीज़ों में फंसे हुए थे और क्योंकि तब तक हमें प्रेम का जो असली जॉय है जो रियलिटी है ऑफ इंटेंस लव पता नहीं था सो so, और वी वीन द सेवन स्लीपर्स डेन स्नॉटेड स्नोरिंग तो यानी खराटे लेना तो क्या और या फिर क्या हम सो रहे थे किसी सेवन स्लीपर्स डेन में सेवन स्लीपर्स डेन इज़ अ रेफरेंस टू लाइक एक कहानी है उस समय की टू फोर्टी में आ, कुछ सात यंग क्रिश्चन एक किसी गुफा में फंस गए थे और वहाँ पे वो 187 इयर्स तक सोते रहे लेकिन जीवित रहे और तो एक तरह से यहां पे स्लीपिंग का मतलब यह है कि आपको यस यू नो आप सोए हुए हैं आप जगे नहीं हैं जैसे स्पिरिचुअल धर्म में भी धार्मिक कंटेक्स में भी कहते हैं कि यू नो पीपल आर स्लीपिंग क्योंकि उन्हें रियालिटी uh, का दुनिया के बारे में असली ज्ञान नहीं है यू नो दे आर अन अवेयर ऑफ द हायर रियालिटी ऑफ लव फॉर इंस्टेंस सो दैट इज़ वाई ही सेंग कि अभी तक हमने जीवन में किया ही क्या कि हम तो बच्चे थे प्यार करने से पहले यानी सिंपल चीज़ों में फंसे थे या फिर सोए थे हमें ज्ञान ही नहीं था असली दुनिया क्या है टू Also, but this all pleasures, fancies be. But this इसके इलावा यानी प्रेम के इलावा all pleasures, fancy be. प्रेम के इलावा जो भी pleasures हैं वो सब fancies हैं खाली you know they are just uh, खोखले ideas हैं दिमागी ideas हैं fancies हैं fantasies हैं. If ever any beauty I did see which I desired and got. टू ऑस पड़ अ ड्रीम ऑफ दी इससे पहले शायद अगर मैंने कोई भी सुंदर चीज़ या किसी और लाइक यू नो आ, किसी और औरत किसी और ब्यूटी को देखा और जिसे मैंने चाहा विच आई डिज़ायर्ड और जो मुझे शायद मिल भी गया या गई लेकिन वो सब क्या है एक तुम्हारे कंपैरिजन में एक सपने की तरह है तुम्हारे सामने वो सब बस एक स्वप्न है खाली सपना लेकिन अब ये लोग जाग गए हैं क्योंकि प्रेम में पड़ गए हैं सो एंड नाउ गुड मॉरो टू आर वेकिंग सोल्स जो हमारे अब जागते हुए जो आत्माएं हम दोनों की उन्हें गुड मॉरो गुड मॉर्निंग विच वॉच नॉट वन अनदर आउट टू फीयर इन दोनों आत्माओं को बिकॉज अपेंटली दे आर इन ट्रू लव इन ए सच्चा प्यार है सो देर इज़ नो फियर बिटवीन दैम यू नो उनके बीच में कोई डर नहीं है कि दूसरा एक दूसरे को वो धोखा देंगे देर इज़ नो मिसट्रस्ट सो देर इज नो फियर फॉर लव ऑल लव ऑफ अदर साइट कंट्रोल्स क्योंकि जो प्रेम है वो बाकी चीज़ों का जो के लिए जो इच्छा या प्रेम हो जो दुनियादारी की चीज़ों की उन सबको कंट्रोल कर लेता है एंड मेक्स वन लिटिल रूम एंड एवरीवेयर और एक जो छोटा सा जो कमरा होता है लवर्स का दैट इज़ एंड एवरीवेयर वो पूरी दुनिया आपके uh, आपको वो पूरी दुनिया आपको लगती है इन फैक्ट सो या फॉर द टू लवर्स देर लिटिल रूम और दर लिटिल हाउस इज़ एंटायर वर्ल्ड सी डिस्कवरर्स टू न्यू वर्ल्ड हैव गॉन तो जो एज ऑफ एक्सप्लोरेशन इस टाइम पे कोलम्बस बहरे जो निकल रहे थे न्यू वर्ल्ड्स यानी कि अमेरिकाज नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका इनको न्यू वर्ल्ड्स क्यों बोल रहे हैं क्योंकि इस इस ऐसा नहीं यहाँ पे लोग नहीं रहते बहुत समय से यहाँ कई सदियों से लोग रह रहे थे नेटिवस लोग रह रहे थे मैक्सिकन सिविलाइजेशन uh, थे साउथ अमेरिका में ऊपर नेटिव अमेरिकन थे लेकिन क्योंकि यूरोप के नज़रिए से सब कुछ चलता है उपनिवेशवाद कोल तो न्यू वर्ल्ड ओके सो लेट्स सी डिस्कवरर्स टू न्यू वर्ल्ड्स हैव गॉन जो ये जो सी डिस्कवरर्स है हीरोज है एक्सप्लोरर्स है वो नई दुनिया खोज रहे हैं वहाँ जाके लेट मैप्स टू अदर्स वर्ल्ड्स ऑन वर्ल्ड्स हैव शोन वैसे ही यू नो मैप्स के द्वारा फिर ये जो उस समय पे मैप्स बनने लगे थे बहुत सारे उसी मैप्स में कई लोगों को वर्ल्ड ऑन वर्ल्ड्स हैव शोन दुनिया के बाद दुनिया दिख रही है नए नए खोज कर रहे हैं लेट अस पोजेस वन वर्ल्ड ईच हैथ वन एंड इज वन लेकिन हम लोग को तो क्या है एक ही दुनिया का पोजीशन चाहिए एक ही दुनिया चाहिए कौन द टू लवर्स आर अ वर्ल्ड टू ईच अदर की यानी कि जो बोलते हैं ना कि प्यार में कि यानी तुम मेरी दुनिया हो या फिर मैं तुम्हारे लिए पूरी दुनिया हूँ टाइप का सो या ईच है तो वन दोनों के पास एक एक दुनिया है यानी एक दूसरे एंड इज वन और दोनों एक एक दुनिया है यानी दूसरे के लिए सो या नेक्स्ट एनजा लास्ट एनजा माई फेस इन दाइन आई दाइन इन माइन अपीयर्स अब यहाँ पे देखिए मेटाफिजिकल कंसीट वाली जैसे एक आपको एग्जांपल देते हैं अभी आता है माय फेस इन दाइन आई दाइन इन माइन अपेयर्स बड़ी सी सिंपल सी बात कह रहे हैं कि अगर दो लोग आमने सामने खड़े हों तो जो उनकी आप किसी के बहुत करीब खड़े हो और ऑब्वियसली इतना करीब आप शायद लवर्स या बहुत ही करीब कोई फ्रेंड व्रेंड उन्हीं के आप सामने करीब ऐसे खड़े होंगे तो अगर आप लोग ऐसे खड़े हैं दोनों एक दूसरे के सो देन यू कैन सी योर ओन रिफ्लेक्शन इन देयर आई उनकी आंख में आपको अपना चेहरा दिखेगा दैट इज़ अ फिज़िकल रिफ्लेक्शन यू नो फिज़िकल फैक्ट लेकिन अब इस फैक्ट के साथ ये कैसे खेलते हैं इस फैक्ट के साथ ये दूसरा पोएटिक आइडिया जोड़ देते हैं जिसमें लोग कहते हैं ना कि जो किसी के मन में होता है वो आंखों में भी दिखता है तो वही कह रहे हैं माई फेस इन दाइन आई दाइन इन माइन अपीयर्स ये तो फिजिकल रिफ्लेक्शन है ओके एंड ट्रू प्लेन हार्ट्स डू इन द इज रेस्ट और जो क्या है ट्रू और प्लेन जो सच्चे दिल होता है वो क्या है फेसेज या फिर आँखों में दिखते हैं तो इन दोनों को फिजिकल जो रिफ्लेक्शन है जो एक्चुअल जो होता ही है उसको ये पोइटिक आइडिया से जोड़ रहे हैं और इसके द्वारा कह रहे हैं कि बेसिकली कि दोनों हम दोनों एक दूसरे के दिलों में बसते हैं सो दिस इज़ लाइक अ मेटाफिजिकल कंसीट यू नो प्लीज़ नोट वेयर कैन वी फाइंड टू बेटर हेमिसफेयर्स विदाउट शार्प नॉर्थ विदाउट डिक्लाइनिंग वेस्ट हेमिसफेयर्स ऑफ द ट्रू लाइक जैसे ग्लोब है जो दुनिया है इट्स अ अर्थ यू नो इट्स अ राउंड थिंग तो हेमिसफेयर क्या है जो बोलते हैं हाफ ग्लोब है नॉर्दर्न हेमिसफेयर नॉर्थ पोल इट्सेट्रा एट्सेट्रा और सदर्न हेमिसफेयर साउथ पोल यहाँ पे है ना सो या टू हाफ्स ऑफ अ ग्लोब तो दोनों ये कह रहे हैं कि अभी तक बोल रहे थे ना कि हम दोनों एक दुनिया हैं तो अब कह रहे हैं कि हम एक दुनिया के आधे आधे वो दो हिस्से हैं जो एक हेमिसफेयर एंड इससे वी आर द परफेक्ट लाइक यू नो हाफ्स बेटर हेमिसफेयर कहीं मिलेंगे नहीं विदाउट शार्प नॉर्थ विदाउट डिक्लाइनिंग वेस्ट शार्प नॉर्थ नॉर्थ में क्या है ठंड लाइक यू नो ठंडा है नॉर्थ और डिक्लाइनिंग वेस्ट सूरज जहाँ पे फेड होता है ढलता है तो कह रहे हैं कि हमारा जो प्रेम है वो एक परफेक्ट हेमिस्फेयर्स की तरह है जो एक दुनिया बनाता है और जहाँ की ना वो द लव वॉन्ट गो कोल्ड हमारा प्यार ठंडा नहीं पड़ेगा और ना ही फेड होगा यू नो इट वॉन्ट फेड अमर रहेगा और इसी अमर के आइडिया को फिर वो आगे बढ़ाते हैं वट एवर डाइज़ वॉज नॉट मिक्सड इक्वली सो दिस बेसिकली गोज़ विद दिस ओल्ड आइडिया ऑफ मी और जो कि हम इन फैक्ट यू इंडियन सिस्टम में भी है चाइनीज़ सिस्टम वी टॉक अबाउट द एलिमेंट्स यू नो जो पंच महाभूत अगर जैसे आयुर्वेद इस सब में बात करते हैं क्या अग्नि जल वायु फायर वाटर अर्थ आ, विंड एयर ये है ना तो फाइव एलिमेंट्स तो उस समय मान ये मान्यता था ये थी कि ये जो फाइव एलिमेंट्स हैं जो पाँच भूत हैं अगर इनका संतुलन बिल्कुल आपके किसी भी चीज़ में परफेक्टली रहे सब कुछ बराबरी से रहे तो वो चीज़ मरती नहीं है और क्या है दोष या फिर जो बीमारियां हैं जो भी यू नो लोग क्यों मरते हैं क्योंकि ये जो संतुलन है जो पांच भूतों का यू नो फायर अर्थ एयर वाटर एंड स्पेस आकाश uh, तो इनका ये जो बैलेंस बिगड़ जाता है और इसके लिए देन दे डाई सो ही सेज़ वॉट एवर डाइज वॉज नॉट मिक्सड इक्वली उनका प्रोपोर्शन संतुलन बिगड़ जाता है इसलिए वो मर जाते हैं लेकिन इस आइडिया को फिर आगे करते हैं इफ़ आर टू लव्स बी वन अगर हमारे दो प्रेम बिल्कुल एक हैं बराबर हैं और दाओ एंड आई लव सो आ लाइक दैट नन डू स्लैकन और हम दोनों एक दूसरे को इतना बिल्कुल एक जैसा ऐसा प्रेम करें दैट नन डू स्लैकन कि किसी का भी प्यार यानी लूज नहीं होता है स्लैकन जैसे एक लूज नहीं हो रहा है तो इसका मतलब क्या है हम दोनों का प्यार परफेक्ट है मिक्सड इक्वली है और इसलिए हम नहीं मरेंगे तो हमारा प्यार कभी नहीं मरेगा अमर रहेगा बिकॉज इट इज़ मिक्स्ड इक्वली एंड परफेक्टली सो ही प्लेज ऑन दैट एल्केमिकल आइडिया तो एक तरह से आप देख सकते हैं जैसा कि इनका नाम मेटाफिजिकल पोइट्स पढ़ा दे गेट इन टू वेरी यू नो कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ अबाउट यू नो चाहे सिंपल बात कर रहे एक तरह से यू you नो know, शायद इन्होंने ये कविता बस किसी औरत को लुभाने के लिए फ्लर्ट करने के लिए लिखी हो बट लाइक ही इज़ गेटिंग इन टू वेरी कॉम्प्लेक्स आइडियाज एंड दैट्स वाई दे आर कॉल्ड द मेटाफिजिकल पोइट्स Or, like, yeah, please go through the questions and we'll move on with the next form then. All right, thank you.